फेडरेशन ऑफ एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स एंड पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा एससी एसटी विद्यार्थियों माटे मार्गदर्शन शिबिरनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां भारत सरकारना एमएसएमई तेमज जिला उद्योग केन्द्र वडोदराना सहयोगथी मार्गदर्शन आप्युं हतुं। अनुसूचित जाति तेमज अनुसूचित जनजातिना विद्यार्थियोंने नवी तक मळे ते माटे काम करता फेडरेशन ऑफ एससी एसटी एंटरप्रेन्योर द्वारा विविध कार्यक्रमोनुं आयोजन करवामां आवे छे, जेमां वडोदराणी पारुल यूनिवर्सिटीना सहयोगथी अनुसूचित जाति तेमज अनुसूचित जनजातिना विद्यार्थियोंने तेओना स्टार्टअप माटे मार्गदर्शन पूरुं पाडवा माटे एक खास मार्गदर्शन शिबिरनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां भारत सरकारना एमएसएमई एकम तेमज डीआईसी वडोदराना सहयोगथी विद्यार्थियोंने माहितगार करवामां आव्या हता। मैं डॉक्टर शांतनु चक्रवर्ती, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल पारुल यूनिवर्सिटी के तरफ से पहले तो आभारी हूँ एससी एसटी फेडरेशन के प्रति। ये मंच के द्वारा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चों को सारे स्कीम्स जितने भी अवेलेबल है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या लोकल गवर्नमेंट का हो, वो उन तक पहुँचे। और वो जो ये एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, दैट इज़ उद्यमिता जिसको हम बोलते हैं, उस पर उन लोग कुछ काम कर सके और वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। ये मेनली हम लोग एस सी एस टी फेडरेशन के साथ एसोसिएटेड होके इस काम को आगे तक लेके जाना चाह रहे हैं। आज करीब करीब 120 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, बट वही बच्चे को हमने सिलेक्ट किया था अभी, जिनको कि अभी ये एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं और उनको इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, और ये इंटरेस्टेड स्टूडेंट के लिए अभी किया गया शुरुआत में। इसके बाद हम लोग बैच वाइज कोशिश ये करेंगे हर बैच में 500 से 600 बच्चे को हम लोग इसमें ट्रेन कर सके। बेसिकली आज जो सेमिनार नो आयोजन करवामां आव्यो छे, एनो हेतु ए छे के एससी एसटी कम्युनिटी माथी जे अत्यारे एंटरप्रीनियरशिप एटले के उद्यमितामां घणा ओछा लोको छे अने गवर्नमेंटनी घणी बधी स्कीम्स छे, પણ એ સ્કીમ્સનો બહુ ઓછા લોકો લાભ લઈ શકે છે। જેવી કે 4% પ્રોક્યોરમેન્ટ પોલિસી છે ગવર્મેન્ટની, એમાં ઓલમોસ્ટ 2300 કરોડનો બિઝનેસ રિઝર્વ છે, પણ એ પોલિસી એ બિઝનેસ પર પૂરો આપણે લઈ નથી શકતા। ઓલમોસ્ટ 1% સુધી જ બિઝનેસ આપણે મેળવી શકીએ છીએ અને લઈ શકીએ છીએ, તો બાકીના 3% જેટલી ગેપ છે। એટલે એ ગેપને પૂરી કરવા માટે આ યુવાઓને ઉદ્યોગ સાહસિક બનાવવા માટે આ સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સબસ્ક્રાઇબ કરો ફેક્ટ ફાઇન્ડર ન્યૂઝ ચેનલને અને યુટ્યુબ ઉપર બેલ આઇકન દબાવી સમાચારોની તમામ અપડેટ મેળવો।